नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 6 बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गत दिवस एक एक करके 2 बच्चों की मौत का एक मामला और सामने आया है। पता चला है कि एक बच्ची की दिमाग बुखार के चलते उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरी की निमोनिया के चलते उपचार के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। साथ ही एक बच्ची के पेट में गर्म लोहे से दागे होने के दाग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। 2 बच्चों की मौत के मामले की खबर लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अलर्ट अस्पताल प्रबंधन 2 बच्चों की मौत के मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। संभाग का सबसे बड़ा कुशाभाऊ अस्पताल 6 बच्चों की मौत की घटना के बाद एक बार पुनः 2 बच्चों की मौत के मामले में सामने आया है। मध्य प्रदेश बॉर्डर छत्तीसगढ़ जनकपुर के सिंगरौली गांव के रहने वाले चंद्रिका पटेल अपने 3 माह की मासूम बच्ची राधिका विश्वकर्मा को उपचार के लिए शहडोल जिला कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पड़ताल के दौरान चिकित्सकों ने निमोनिया होना बताया, जहां उपचार के दौरान राधिका की मौत हो गई। आपको बता दें कि काफी इलाज के बाद जब राधिका के हालत में सुधार नहीं हो रहा था, तो अंधविश्वास के फेर में बच्ची के परिजनों ने बच्ची को गर्म लोहे से दाग दिया था। मृत बच्ची के पेट में गर्म लोहे के दागे होने के दाग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं मृतका के पिता ने बच्ची को दागना स्वीकारा है। वहीं जिले के जयसिंह नगर के समीप एक गांव से चंद्रिका पटेल अपने 2 माह के जिगर के टुकड़े वंदना पटेल को अच्छे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी रहा। पड़ताल में बच्ची के सर में बुखार होना बताया गया। उपचार के दौरान आज सुबह वंदना की भी मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत की खबर लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना को अस्पताल प्रबंधन छुपाने का प्रयास करते रहे। जिला अस्पताल में बच्चों के मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में ही 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया था। उस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मुख्य सचिव आनंद फानन में शहडोल पहुंचे, अस्पताल का मुआयना कर CMHO और सिविल सर्जन को उनके पद से हटा दिया था। संभाग के आदिवासी अंचलों में अंधविश्वास के फेर में मासूमों को गर्म लोहे से दागने की कुप्रथा आज भी जीवित है, जिसके चलते दागने से हुई इन्फेक्शन के दौरान मौत के मामले थम नहीं रहे और प्रशासन इस ओर कोई कठोर कदम नहीं उठा रहा और न ही लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है, जिसका नतीजा दागने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं संबंधित विभाग इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का दावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत आपके सामने है। मैं कल रात में एक बार जयसिंह नगर लाया था उपचार के लिए, वहां नहीं हो पाया उपचार, वहां से रिफर कर दिया गया शहडोल के लिए। तो शहडोल में आज सुबह मेरी बच्ची 11 बजे के लगभग खत्म हो चुकी। क्या हो गया था बच्ची? बच्ची उल्टी कर रही थी सर और खांसी आ रही थी। कितने माह की बच्ची? 2 माह 5 महीने। ओह हाँ, 2 माह 5 दिन की है सर। यहाँ 2 बच्ची है खत्म, एक बच्ची और खत्म होगी। सुबह हो गई थी सर, मतलब 2 बच्चियों की मौत हो गई। जी, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं भाई? हम किसको बताएं सर, इसकी लापरवाही के चलते? हाँ, कुछ तो होगा सर। अभी क्या मशीन नहीं है यहाँ उस तरह की कार्य करने वाली? क्या नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में? कोई तो समस्या होगी। सब जगह दिखा के मैं यहाँ वहाँ करके। कहाँ कहाँ दिखाए थे? जनकपुर। हाँ, 2 बार जनकपुर, 1 बार गांव में, फिर जयसी नगर, फिर परमानंद हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में फिर मनीष सिंह, लास्ट में मनीष सिंह। अच्छा, सब डॉक्टर दिखाने के बाद नहीं ठीक हुए तो फिर ये दागा कौन है इसके पेट में? इसको सब जगह दिखाने से पहले ना होने, ठीक ना होने से पहले नहीं हुए तो, है ना? नहीं हुए तो ये फिर गांव में दगाया। अच्छा, कौन दागा था? एक बुजुर्ग महिला। अच्छा, तो उसने बताया था कि ठीक हो जाता है? या गांव में का एक हो जाता है। हाँ, मुझको भी इस संबंध में मालूम पड़ा है कि बच्ची 3 माह की थी और वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आई हुई है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, सीरियस कंडीशन थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। किस चीज के उपचार के लिए आई थी? दागने के संबंध में, जैसे आजकल कुप्रथा है ना, लोग गांव-गांव में दागना करते हैं कि दागने से स्वस्थ होगी, तो हम लोग उसकी जन जागरूकता अभियान
चलाते हैं फील्ड में, हमने सभी वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है आप जहाँ जाएं और फील्ड में जाएं और काम के जो आपके राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके साथ साथ में इसके बारे में भी आप जागरूक करें लोगों को ये प्रथा ना करें। दगना का तो पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी कई ऐसे मामले आए दगना की जो जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में पूर्व में भी मौत हो चुकी है। यहाँ पर अस्पताल के बारे में और पूर्व मौत कुछ मुझे नहीं मालूम है, जब से भी आया हूँ तब से लोगों को हर चीज़ के बारे में खासकर इसके बारे में भी इंस्ट्रक्ट करता हूँ, क्योंकि बाहर भी जब मैं जहाँ उमरिया में था वहाँ भी मैं लोगों के पास जाता था और अपने जितने वर्कर को मैं सबको बोलता था कि आप इस पता से लोगों को समझाएं जानकारी दें। इसमें क्या है, जो जयसिंह नगर से एक बच्ची आई थी कल रात को 3 बजे वहाँ जयसिंह नगर से रेफर किया गया था, जयसिंह नगर जयपुर अपना क्या कहते CSC से, उसको क्या कहते वो पेट में दागने का निशान था और उसको जो हमारे यहाँ से चाहे शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज के जो देखे थे उन लोगों ने बताया है कि उसको क्या कहते बेनिंजाइटिस के साथ सेप्टिसीमिया था। हाँ, तो मतलब दिमाग की बीमारी बुखार बोला जाता है बेनिंजाइटिस वो था उसको। हाँ, और दूसरी बच्ची जो थी वो जनकपुर से आई थी छत्तीसगढ़ के साइड जनकपुर से, और उसको क्या कहते निमोनिया था उसके कारण काफ़ी दोनों बहुत सीरियस कंडीशन में आए थे। दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। उपचार के दौरान सर इनको दागने का भी कुछ वो था जैसे छत्तीसगढ़ कोई दागने का बच्चा आया कोई बता रहे हैं कि उसको मेरे संज्ञान में भी आया, मैंने देखा था कि उसके पेट में दागने का निशान बताया जा रहा है। सर जो दागने की कुप्रथा अपने क्षेत्र में इसके लिए जन जागरूकता अभियान आपके द्वारा चलाया नहीं जाता आपके विभाग के द्वारा? विभाग CMO साइड से चलाया जाता है CMO साइड। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन